नमस्कार दोस्तों, राजा जी, मैं नील डिंगवाल, नंदन कनन होम स्टे मुक्तेश्वर से। ये चूल्हा है हमारा, चूल्हे में मोस्टली हमारा सारा खाना बनता है। और इधर कमलेश लगा हुआ है दुदिल्ले के पत्तों की माला बनाने के लिए। ये शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, ये गोबर से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। ये जो शिवलिंग बना है ये उसी गाय के गोबर का बनता है जिसने बछड़े को जन्म दिया होता है। और अब नंबर आता है हमारे घर के नए सदस्य का ये। और अब हमारा बधवान शुरू हो चुका है, कमलेश शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है सब। और अब कमलेश गाय के बछड़े को अपने हाथ में लेकर के उससे पूरे शिवलिंग के ऊपर नचा रहा है जिससे कि सारा कुछ वो मिक्सअप। इस तरह से कान में नाम सुनाया जाता है। अभी सुबह सुबह का समय है तो हमने बधवान की प्रोसेस पूरी कर ली और अब इनको हम बाहर बादल की ये सारी देख सकते हैं। ये सब हमारे फार्म की हैं, अपने खेतों की सब्जियां हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, मैं नील डिंगवाल, नंदन कनन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कनन होम स्टे में। तो आज हम लोगों के घर में हमारी गाय का बधवान है, तब गाय का बछड़ा हुआ है तो आज 11 दिन हो गए, 11 दिन में उसका नामकरण होता है बछड़े का, तो इसे हम लोग बधवान बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जैसे सिमिलरली किसी घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो 11 दिन के बाद उसका नामकरण किया जाता है, ऐसी ट्रेडिशन यहाँ पे है। तो सिमिलरली वही जो है हमारे यहाँ पे गौ माता के साथ भी किया जाता है, तो एज ए घर के फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट किया जाता है। तो आज नामकरण है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग इसका नामकरण करते हैं और कैसी इस प्रोसेस को निभाया जाता है। ये एक रिचुअल है, एक कल्चर है यहाँ में हमारी संस्कृति की, हमारी पहाड़ की, कुमाऊँ की। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कैसे हम लोग इस कल्चर को निभाते हैं, इस रिचुअल को फॉलो किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ किचन के अंदर। अभी सुबह का समय है और आज हमारी गाय का बधवान है, तो ऐसे में बहुत सारे पकवान घर में बनते हैं। यहाँ देखिए मम्मी सुबह सुबह लगी हुई है, इधर इसमें रखा हुआ है दूध और शायद इसमें खीर बनने वाली है। ये चूल्हा है हमारा, चूल्हे में मोस्टली हमारा सारा खाना बनता है। और इधर पिंकी भी कुछ लगी हुई है क्योंकि बहुत सारे पकवान बनने होते हैं और बहुत जल्दी बनाने होते हैं, तो इसलिए गैस भी चल रही है और इधर साथ साथ में देखिए चूल्हा भी चल रहा है। मम्मी यहाँ लगी हुई है खीर बनाने में क्योंकि आज खीर का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दूध को आज खीर के रूप में बना करके इस्तेमाल किया जाता है। इधर कमलेश लगा हुआ है दुदिले के पत्तों की माला बनाने में। दुदिले के पत्तों को बहुत पवित्र माना जाता है और इसके पत्तों से दूध निकलता है, इसलिए इसको गौ पूजन के लिए और बधवान में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ घरों में जब अन्य पूजन होते हैं और जब पुष्प अवेलेबल नहीं होते हैं तब दुदिले के पत्तों को पूजन में यूज़ किया जाता है। सारी पूजन सामग्री लेकर के कमलेश जा रहा है नीचे हमारी गौशाला में, जो कि यहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौशाला में, मम्मी और कमलेश पहले ही जा चुके हैं, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ और वहाँ पे जा कर के पूरी प्रोसेस को आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग इस कल्चर को, इस रिचुअल को निभाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए अंत तक का। चलिए, ये रास्ता है जो हमारे घर से नीचे हमारे गौशाले की तरफ जाता है। ये हमारा पुराना मकान है और इसी के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल इसके नीचे वाले फ्लोर में हमारी गौशाला बनी हुई है। ये देख सकते हैं हमारे गौशाले के बिल्कुल सामने ये खीरे की, ककड़ी की बेल लगी हुई है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खीरे लगे भी हैं और दो चार दिन के अंदर ही बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको खिलाएंगे, मजा आएगा इसको खाने में, क्योंकि बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है पहाड़ी खीरे का। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी गौशाला के अंदर और पूरी रिचुअल को, पूरी इस कल्चर को कैसे हम लोग निभाते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए वो सामने हमारी छोटी बच्चिया भी दिख रही है, साथ में उसकी माता लाली और इधर ये हमारी काली, तो ये तीनों इसी रूम में रहते हैं। ये गौशाला जो हमारी है, इसे गोट हम लोग नॉर्मली पहाड़ों में बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कमलेश ये शिवलिंग का निर्माण कर रहा है, ये गोबर से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और इसमें गाय का दूध चढ़ाया जाता है। तो आज जब इसमें गाय का दूध चढ़ेगा, इसके बाद उस दूध को सभी लोग यूज कर सकते हैं अपने पीने के लिए। इससे पहले उसको घर के सदस्य पीते हैं और बाकी है कि अन्न के साथ उसको नहीं लिया जाता है, सिंपल उस दूध को लिया जाता है। आज के बाद उस दूध को अन्न के साथ भी लिया जा सकता है। ये हमारी गौ माता है लाली, जिसने बच्चिया को जन्म दिया है, ये ले। और इसकी बच्चिया भी आपको दिखाता हूँ, ये है बच्चिया। अभी इसका नाम रखा जाएगा, तो नाम जब रखा जाएगा उसके बाद आपको नाम भी बताऊंगा क्या नाम रखा गया है। ये देखिए कितनी क्यूट सी है,
इधर से मम्मी अभी इसकी थोड़ा सफाई कर रही है। यहाँ पे जो है नीचे इस तरह से सारा गोबर और पत्तियाँ ये इस तरह से रहती हैं, क्योंकि पत्तियाँ इसमें बिछाई जाती हैं और उसमें मिक्स हो जाता है गोबर, फिर ये गोबर की खाद बन जाती है। और इधर देख सकते हैं पूरी पत्तियाँ बिछी हुई हैं। ये गाय को आराम देता है नीचे से, एक गद्दे का काम करता है। और साथ ही साथ में दीवारें आप देखेंगे, इसकी दीवारें पूरी पत्थर की हैं और सिर्फ मिट्टी इसमें बीच में यूज़ हुई है, और ऊपर छत जो है पूरी लकड़ी की है। और बीच में आप देख सकते हैं ये सारा जो है लकड़ी और मिट्टी का यहाँ पे इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से ये गोट बनाए जाते हैं और ये बहुत गर्म रहता है। ये जो सिबलिंग बना है ये उसी गाय के गोबर से बनाया जाता है जिसने बछड़े को जन्म दिया होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कमलेश जो है, जो दुदिले के पत्ते हैं, इनको चारों तरफ से सजा के रख रहा है, क्योंकि जैसे पुष्प रखे जाते हैं वैसे ही पुष्प की जगह यहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी तैयारियां होने के पश्चात सरसों के तेल का दिया जला लिया जाता है, क्योंकि पूजन सरसों के तेल के दिए से किया जाएगा। और साथ ही साथ में एक घी का दिया भी, अलग से घी की बाती जलाई जाएगी। तो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कमलेश जो है ये सरसों का दिया जलाने के बाद में अगरबत्ती को जला रहा है, और अगरबत्ती से इनकी आरती उतारी जाएगी शिवलिंग की, और उसके बाद इसको यहीं पर रख लिया जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं ये सारी सामग्री है जो यहाँ पे भगवान शिव जी को शिवलिंग में चढ़ाई जाती है। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले दूध है, फिर दही है, और साथ ही साथ में जो खीर हमने आज बनाई है गाय के दूध की वो, और साथ ही साथ में गाय के दूध का जो घी बनाया हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है, और ये शंकर जी को इस शिवलिंग में चढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ में कमलेश यहाँ पे दुदले के पत्ते के ऊपर तिलक भी बना रहा है, और इसी तिलक को गौ माता को और साथ ही साथ में बछड़े को भी लगाया जाएगा। दिया और अगरबत्ती जलने के पश्चात में सबसे पहले जो माला है वो शिवलिंग में चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं कमलेश जो है माला सबसे पहले चढ़ा रहा है, और उसके पश्चात जो पूजन विधि है वो यहाँ पे प्रारंभ की जाएगी। और अब यहाँ पे अक्षत चंदन का जो तिलक है वो यहाँ पे सबसे पहले गौ माता को लगाया जाता है। ये देख सकते हैं कमलेश गौ माता को तिलक और अक्षत चढ़ा रहा है, और उसके बाद जो बछिया है उसको ये लगाया जाएगा। अक्षत चंदन लगाने के बाद में ये जो माला हम बना के लेके आए हैं वो माला पहनाई जा रही है। अब कमलेश माला पहना रहा है, आप देख सकते हैं हमारी लाली को, ये गौ माता को माला पहनाई जा रही है। और इसके बाद में जो बछड़ा है उसको पूजन किया जाएगा अक्षत चंदन लगा करके, और माला पहनाई जाएगी। और अब नंबर आता है हमारे घर के नए सदस्य का, ये छोटी सी प्यारी सी बच्चिया है, इसको कमलेश जो है तिलक लगा करके और ये माला कमलेश इसको पहना रहा है। और माला पहनाने के पश्चात हमारा जो बधवान की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि हमारे पहाड़ में नामकरण संस्कार जो होता है बछड़े का, उसे बधवान की नाम उपाधि दी गई है, तो बधवान के नाम से ही पुकारते हैं। ये गौमाता का पूजन किया जा रहा है, और गौमाता के पूजन के पश्चात जो है नामकरण हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से पहले गौमाता का पूजन, और फिर उसके बाद में जो बछिया है उस बछिया का पूजन, और इसके पश्चात उसका नामकरण किया जाएगा। और अब हमारा बधवान शुरू हो चुका है। कमलेश शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है सबसे पहले दूध से, जो गौ माता का दूध है, और साथ ही साथ में दही भी यहाँ पे है। तो दूध के पश्चात दही से अभिषेक होता है, उसके पश्चात फिर जो दूध की मलाई है उस मलाई से अभिषेक, और उसके पश्चात इसी की हमने जो खीर बना रखी है उस खीर से अभिषेक किया जाता है, और इसके पश्चात जो घी हम लेके आए हैं वो घी भी इसमें डाल दिया जाएगा। तो ये जो इसमें आप देख सकते हैं उभरा हुआ हिस्सा है उसको पूरा डुबा दिया जाता है, और जो नीचे गहरा हिस्सा है उस गहरे हिस्से को पूरा, ये सारे जो द्रव्य हैं गौ द्रव्य, इन सब से भर लिया जाता है। और उसके पश्चात में जो गौ माता का बछिया है उस बछिया से इसको पूरा तोड़ मड़ोड़ के एक कर लिया जाएगा। ये देख सकते हैं अब इसमें घी से अभिषेक किया जा रहा है भगवान शंकर जी के शिवलिंग का। एक बार मैं आपको क्लोज ले जाकर के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इसको पूरा हमने भर लिया है सारे द्रव्यों से, और साथ ही साथ में देखिए इसमें हमने ना चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर भी रखे हुए हैं। और अब जो है ये घी का दिया जो एक बनाया जाता है, इस घी की बाती को जलाया जा रहा है। ये सारी विधि संपन्न होने के बाद में जो दिए हैं, इन दियों को उठा करके हम लोग अलग से एक स्पेस में रख लेते हैं जो गाय की पहुंच से दूर हो। और अब कमलेश गाय के बछड़े को अपने गोद में लेकर के पूरे जो शिवलिंग बनाया है उसके ऊपर जो द्रव्य रखे हैं उसको पूरा छल्लर बल्लर करके मिक्स कर ले रहा है। और ऐसा यहाँ पे मानते हैं कि जो जितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा, पूरी छल्लर बल्लर होगी, वैसे ही गाय जो है दूध उसी मात्रा में, अच्छी मात्रा में दूध देगी।
और इसमें जो भेंट चढ़ाई थी उस भेंट को कमलेश ढूंढ रहा है और उस भेंट को हाथ में लेकर के फिर नाम सुनाया जाएगा। गाय ने बहुत छलर वलर कर ली इसलिए भेंट मिल नहीं पा रही थी, तो भेंट मिलने के बाद अब कमलेश नाम सुना रहा है बछड़े को और इस तरह से कान में नाम सुनाया जाता है। क्या नाम रखा? लक्ष्मी। लक्ष्मी अच्छा आज लक्ष्मी का दिन है तो सुबह से दूध पीने में है। आप देख सकते हैं जैसे इसको छूट मिली तुरंत थनों पे टूट पड़ी और दूध पीने में लग गई। ये है हमारी लक्ष्मी और पीछे है लाली। ये है लाली की लक्ष्मी। ये देखो कितना क्यूट। अभी सुबह सुबह का समय है तो हमने बधवान की प्रोसेस पूरी कर ली और अब इनको हम बाहर बांध रहे क्योंकि अभी धूप भी नहीं आई है, तो बाहर बांध देते हैं। इसके बाद धूप आएगी तो धूप में थोड़ी देर ये रुक रहेंगे, फिर इनको अंदर बांध लिया जाएगा जैसे बहुत तेज धूप हो जाएगी। ये छोटी बच्चिया को देखिए इतनी एक्टिव है और हिरन की तरह उछल उछल के चल रही है पूरा। तो बधवान की प्रोसेस हमारी संपन्न हो गई है और यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं घर के लिए वापस। आप देख सकते हैं मेरे आगे मम्मी चल रही है और कमलेश ऑलरेडी यहाँ से पहले ही निकल चुका है। तो हमारी गाय की बच्चिया का नाम लक्ष्मी रखा गया और बधवान की प्रोसेस समापन यहाँ पर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर पे। घर में आपको दिखा दो क्या क्या पकवान मिल रहे हैं। लोग पहुंच चुके घर पे। ये देखो कियान सुबह सुबह क्या कर रहा है। कियान ये ढेर सारी सब्जियां हैं जो मैं अपनी खेत से तोड़ के लाया हूँ, तो इसको मैं धो लेता हूँ। धोने के बाद मैं अंदर जाके इसकी कटिंग कर लेंगे और आज इसी की सब्जी बनाई जाएगी क्योंकि आज हम सारे अपने परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के सभी लोगों को बुलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें सारे पकवान बनाने पड़ेंगे। तो चलिए मैं इसको अंदर लेके चलता हूँ और फिर आगे इसकी कटिंग करेंगे। ऑलमोस्ट सारी सब्जियां कट चुकी हैं और अब पिंकी काट रही है आलू। आलू और ये सब मिक्स करके हम लोग बनाएंगे और साथ ही साथ में खीर अभी भी बनने में ही है क्योंकि सुबह से ये रखी हुई थी और अभी भी इसको रखा गया है। तो ये बाकी सब्जी हमारी ऑलरेडी कट चुकी हैं सारी। इधर ये सारी देख सकते हैं ये सब हमारे फार्म की हैं, अपने खेतों की सब्जियां हैं और बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक सब्जियां। और इधर ये है खीर। खीर बन चुकी है और सारी सब्जियां कट चुकी हैं और पिंकी अभी यहाँ पे सब्जी चढ़ा रही है और सब्जी चढ़ने के बाद में बाकी पूड़ियाँ वगैरह वो सारी चीज़ें तैयार कर देंगे। किचन से बहुत सारे पकवानों की खुशबू आ रही है ना, इसलिए बेला लिली भी एक्साइट हो चुके हैं यार आज हमें भी कुछ स्पेशल मिलने वाला है। फाइनली नंबर आता है लंच का और हम लोग सब बैठ चुके हैं यहाँ पे लंच के लिए। ये देख सकते हैं सोनू बैठी है, ताऊ जी बैठे हैं, उधर पिंकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और इधर हेमा बैठी है। हेमा लोगों को जाना भी है इसलिए जल्दी जल्दी में सभी लोग लंच कर ले रहे हैं। आज खाने में सोयाबीन की दाल बनी हुई है, पहाड़ी जो सोयाबीन होती है, और साथ ही साथ में चावल है और खीर है और इधर ये सब्जी है और पूड़ियाँ भी हैं, मुझे तो पूड़ी दी नहीं। तो फाइनली हमारी गोमाता के बछड़े के नामकरण का कार्यक्रम संपन्न हो गया है और अभी हम लोग प्रसाद पाने के बाद भोजन करने के बाद वापस आ चुके हैं और सभी लोग विश्राम कर रहे हैं क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है। और यहाँ पे पहाड़ों में जो संस्कृति है उसके अनुसार जितनी भी घरों में गोमाता होती है उनका जब बछड़ा होता है तो उसको भी ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे किसी महिला का जब बच्चा होता है, किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, ऐसे ही गोमाता के जब बछड़ा होता है उसको ट्रीट किया जाता है और उसका भी नामकरण उसी इसी विधान के अनुसार किया जाता है जैसे कि एक मनुष्य के बच्चे का नामकरण किया जाता है। और 11 दिन तक का उसके दूध को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ घर में उसको पिया जाता है कोई बिना अन्न के साथ में, मतलब बिना अन्न मिला करके।
और जैसे ही नामकरण होता है, नामकरण के पश्चात उस मिल्क को सार्वजनिक रूप से यूज किया जाता है और उसमें आप अन्न मिला करके भी उसको खा सकते हैं, मतलब खीर बना करके या फिर दूध के साथ में या फिर रोटी के साथ में उसको यूज़ किया जा सकता है। तो 11 दिन तक का उसको अवॉइड करते हैं और उसके बाद फिर इसका सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो और गौ माता का जो है यहाँ पहाड़ों में जो जीवन है, गौ माता की सेवा पर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी खेती होती है गौ माता की गोबर के ऊपर ही निर्भर करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रोड्यूस होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।